हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पीसी में वर्चुअलाइजेशन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप कभी भी अपने पीसी में एलडी प्लेयर ब्लू स्टॉक मेनू प्ले को डाउनलोड करते हैं और उसको जब अपने पीसी में रन करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एलडी प्लेयर डज नॉट सपोर्ट बिकॉज वर्चुअलाइजेशन डज नॉट इनेबल। सो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करना पड़ता है। तो वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पीसी में चेक करना होगा कि आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या डिसेबल है। तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और सिस्टम इन्फॉर्मेशन टाइप करेंगे। सिस्टम इन्फॉर्मेशन टाइप करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आपको इस पर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा होगा सिस्टम समरी, हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। तो आपको सिस्टम समरी पर क्लिक कर देना है। सिस्टम समरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगी। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन इनेबल इन फायरवेयर। तो यहाँ पर आपको नो दिखा रहा है, इसका मतलब आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन जो है वो डिसेबल है। तो इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं आप, इसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको इस विंडो को क्लोज करना होगा और अपने पीसी को रिस्टार्ट करना होगा। तो हम इस विंडो को क्लोज कर दे रहे हैं और अपने पीसी को रिस्टार्ट करेंगे। तो रिस्टार्ट करने के बाद आपको बायोस की को प्रेस करना है बार बार। सभी पीसीज में डिफरेंट बायोस की होती हैं। मैं सभी पीसी की बायोस की को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा पीसी रिस्टार्ट हो रहा है और हम अपने पीसी की बायोस की को प्रेस कर रहे हैं। सो वेट करेंगे। देख सकते हैं आप, हमारे पीसी में बायोस सेटअप ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीसी में बायोस सेटअप ओपन हो चुका है। तो बायोस सेटअप ओपन होने के बाद आप यहाँ देखेंगे सेटिंग्स में, तो आपको वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है, आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है। और इसको एक्सपेंड करने के बाद आपको वर्चुअलाइजेशन पर क्लिक करना है। आप जैसे वर्चुअलाइजेशन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके राइट साइड में इनेबल इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, आपके सामने एक चेक बॉक्स आएगा, आपको इस पर टिक कर देना है और अप्लाई पर क्लिक कर देना है। आप जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपका वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको एग्ज़िट पर क्लिक कर देना है। एग्ज़िट पर क्लिक करने के बाद आपका पीसी जो है रिस्टार्ट होगा और आपके पीसी में वर्चुअलाइजेशन इनेबल हो जाएगा। अब हम चेक करके देखेंगे कि हमारे पीसी में जो वर्चुअलाइजेशन है वो इनेबल हुआ कि या नहीं। तो इसके लिए आपको दोबारा से अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे तो बेस्ट मैच में आपका आ जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन ऐप, आपको इस पर राइट क्लिक कर देना है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे अगेन आपको वही प्रोसेस को ट्राई करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और आपको देखना है हाइपर व्यू वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड। आपको यहाँ पर येस दिख जाएगा, इसका मतलब हमारा वर्चुअलाइजेशन जो है इनेबल हो चुका है और आप अपने सी पी प्लस या स्टॉक प्लेयर को आसानी से यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।